प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आज हमारे पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रोड पे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को लात मारी थी। तो इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया अली खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। ये अहम एक टॉपिक है, मुझे एक वीडियो खास तौर पर भेजी गई है, मैंने आपको सेंड की थी कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं रोड के ऊपर और एक पुलिस वाला आ रहा है और उसको उनको जो है वो धक्के देता है। तो मुझे वीडियो खास तौर पर भेजी गई क्योंकि मैं आपको पता पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर काम करता हूं और जो यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू भाई हैं उनके जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके ऊपर बात। तो वो ये कहते हैं कि जी आप जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू भाई हैं उनके लिए तो आवाज उठाते हैं, जो इंडिया या भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर आप बात नहीं करते, और साथ में वीडियो भेजी है कि ये देखें जी। तो ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्या मामला है, अगर आपके पास वीडियो है तो आप थोड़ा सा अगर हमारे जो देखने वाले उनको दिखा भी दें और एक्सप्लेन भी जरा कर दें इसको। हाँ, कल एक्चुअली दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे काफी आवाजाही का रोड था वो, और काफी ट्रैफिक वगैरह का सामना करना पड़ा, और कुछ लोग जो है तकरीबन 50-60 लोग जो है वहां पर मसल्ला बिछा करके, हालांकि आसपास कोई मस्जिद नहीं थी वहां पर, सिर्फ नॉर्मल जो फ्लाईओवर के नीचे जो रोड होता है हाईवे का वो रोड था। और क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है, हमारे भारत की राजधानी है, तो बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा दिल्ली में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मेन पार्लियामेंट वहां पर दिल्ली में है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और ऐसे सिचुएशन में जुमा के दिन जो है वो जुमा की नमाज कुछ 40-50 लोग जो है ना उन्होंने रोड पर मुसल्ला बिछा दिया था और नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि जब वो मुसल्ला बिछाना स्टार्ट कर रहे थे तभी पुलिस ने उनको काफी समझाने की कोशिश की थी, काफी बोलने की कोशिश की थी, और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए यहाँ पर ना पढ़ करके आप मस्जिद के अंदर जा करके पढ़ लें। यहाँ तक कि ये भी बोला है पुलिस ने कि जो आउटपोस्ट पुलिस का होता है, जो बना हुआ लकड़ी से होता है रोड के किनारे में, कि आउटपोस्ट है आप वहां जाकर के पढ़ लीजिए, पर वो लोग जिद में पड़े हुए थे कि नहीं हम पढ़ेंगे तो यहीं पर पढ़ेंगे। हालांकि उसका दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है जब पुलिस उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, पर इंटेंशनली भारत में भारत के मुसलमानों ने उस वीडियो को बनाया है जिसमें लात मारा गया है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानूंगी कि हाँ उसने लात मार के अच्छा किया, नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा किया, बहुत गलत बात है। कोई अपने आस्था पर है, कोई अपने विश्वास पर है, कोई अपने धर्म की पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लात मार देना पीछे से बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और जिस हिसाब से इमीडिएट इंस्टेंट उस पुलिस ऑफिसर को रेस्टिकेट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उस पर इंक्वायरी बैठाई गई है, देखिए एक सरकारी अफसर के शरीर से उसकी वर्दी छीन ली जाए, इससे बड़ा इससे बड़ी सजा मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो सजा उसको उसी वक्त विद इन एन आवर उसको दे दिया गया था, और इसके अलावा FIR भी उसके ऊपर हुआ है। तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो कम्प्लीटली उस ऑफिसर के ऊपर हुई है, और जो उसने गलत हरकत किया है उस पर कार्रवाई भी बहुत जबरदस्त उस ऑफिसर के ऊपर हो गई है। लेकिन अब बात सवाल ये उठता है कि क्या मुजफ्फर भाई आप नमाज पढ़ते वक्त क्या वीडियो करते हैं? नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। आज मान लेते हैं कि जिस हिसाब से मेरे पीछे मुसलमान लड़के लोग पड़े हुए हैं, मुझे धमकियां देते हैं, कल को मेरा गैंगरेप हो जाता है, तो मैं कोर्ट को वीडियो दिखाऊंगी कि देखिए ये मेरा गैंगरेप हो रहा है, तो कोर्ट तो मेरे से सबसे पहले ये सवाल पूछेगा कि भैया तुम रेप तुम्हारा हुआ था या तुमने करवाया था? तो मैं बोलूंगी क्यों, तो कोर्ट मेरे से यही पूछेगा तो फिर ये वीडियो कहाँ से आया तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो नमाज पढ़ते वक्त वीडियो करने की हरकत
मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि आपके एक क्रिकेटर ने विदेश में जा करके नमाज पढ़ा था और सामने किसी को दे दिया था कि मेरा वीडियो बनाओ और उसने काफी वाहवाही लपेटी थी सारे पाकिस्तान के चैनल्स पर के देखो शेर है शेर इतने बड़े फॉरेन कंट्री में जा करके वहां पर रोड पर नमाज पढ़ रहा है और वीडियो भी बनवा रहा है। तो अब बात ऐसी है कि जिस पुलिस ऑफिसर के हाथ द्वारा ये हरकत हो चुकी है उसको तो सजा मिल गई है। अब साथ साथ ये भी पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसने इंटेंशनली उस छोटे से 20 सेकंड के क्लिपिंग को ही वायरल करवाया है भारत से लेकर के पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर के सीरिया तक, और वो कौन व्यक्ति है जो वहां पर वीडियो बना रहा था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉमन सेंस मुजफ्फर भाई होता है कि पास में कोई मस्जिद है वो भर चुकी है तो हम रोड पर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पुलिस क्या करती है बैरिकेड लगा देती है कि मस्जिद भर गई है इसलिए लोग रोड पर आ गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो पुलिस पोस्टिंग भी हो जाती है और बैरिकेड भी हो जाता है। पर वो जो जगह है उसके आसपास कोई मस्जिद नहीं थी और जानबूझ करके फुटपाथ के बगल में मेन हाईवे के पास ब्रिज के नीचे फ्लाईओवर के नीचे वो नमाज पढ़ी जा रही थी। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि अवेसिका की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें एक बच्ची अचानक से माइक लेकर के कहने लगी थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, शायद आप लोगों को याद होगा जी। उस बच्ची का प्रॉपर इंटरव्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि किस हिसाब से मास्टरमाइंड लोग उसके पीछे काम कर रहे थे, लेकिन सजा बच्ची को भुगतना पड़ा था, जेल में बच्ची को जाना पड़ा था। आप अपने अपने कान से सुन लीजिए। मैं जो भी आज कर रही हूँ वो सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसका फेस बन रही हूँ मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइजेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है, कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इधर जाना है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सारा ड्रामा हुआ है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जुमे की नमाज होती है वो जामा मस्जिद जो होती है वहां पर ही नमाज पढ़ने का हुक्म है, आप अकेले खुद से नहीं पढ़ सकते। आपने बोला ना कि पास में कोई मस्जिद नहीं थी, वो खुद ही इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने, तो ये जायज नहीं है कि आप मस्जिद इमाम के अलावा खुद से ये करें जो जुमा की नमाज है। तो ये अब ये जो जाली अरबी मुसलमान जो भारत और पाकिस्तान में लुंगी के साथ घूमते रहते हैं और बिना चट्टी के साथ घूमते रहते हैं, मैं उनको थोड़ा सा जायज चीजें, हालांकि लोग मुझे यही कहते हैं अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो मुसलमान बनी हुई है, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब हम मुसल्ला बिछाते हैं, सबसे पहली चीज कि जब हम मुसल्ला बिछाते हैं तो हम अल्लाह तबारक ताला से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि आसपास कौन क्या कर रहा है हमें पता नहीं होता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर कोई हमारे कान के पास आकर के ढोल पीट कर चला जाए तो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन और हमारा ताल्लुक सिर्फ उस वक्त मुसल्ले के ऊपर अल्लाह तबारक ताला से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि जहां पर हम मुसल्ला बिछाते हैं वो जमीन बहुत पाक होनी चाहिए, वो जगह बहुत पाक होनी चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जब नमाज पर जानेमाज पर खड़ा होता है तो उसके 5 कपड़े उसके शरीर पर होने चाहिए। आप देखिएगा कि जितने भी लौंडे बैठे हुए थे वो टाइट जीन्स में बैठे हुए थे और जब वो सजदा कर रहे थे तो उनका आधा पिछाड़ नजर आ रहा था, मतलब वो नमाज के लिए प्रॉपर तैयार होकर के नहीं आए थे। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रैटेजी सेट की गई थी ये कॉम्युनल राइट करवाने के लिए गई स्ट्रैटेजी सेट की गई थी। अब मैं पांचवी बात आपको बताना चाहूंगी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे हिरा में इबादत किया करते थे, उनकी जात से मेरे प्यारे रसूल की जात से तो आज तक कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। मेरे प्यारे रसूल ने तो औरतों को भी बहुत इज्जत दी है, उन्होंने अपनी इबादत को हमेशा हमेशा बहुत पर्सनल चीज बना करके रखी है, किसी पर हावी करने की कोशिश तो उन्होंने नहीं की। जिस तरह से वो इबादत करते थे, उनको नबूवत मिली थी और बहुत कम उम्र में वो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हुए कि अल्लाह ने ऐलानिया ये कह दिया कि वही आखिरी है और वही पहले है,
इतना बड़ा मर्तबा एक छोटे उम्र में एक एक व्यक्ति को मिला जो जो अब हमारे पूरे दुनिया के मुसलमानों का रोल मॉडल बन चुका है। हमने अल कुरान में तो ये नहीं पढ़ा कि वो कहीं रोड पर कहीं पर मुसल्ला बिछा लेते थे या किसी को परेशान। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको नाज़िया खान जी की पर्सनल राय जानने को मिली इस पूरे मामले के ऊपर। आपने देखा नाज़िया खान जी ने इस मामले को गंभीर तो बताया ही, अपनी राय भी व्यक्त की, जहां पे नाज़िया खान जी ने ये कहा हो सकता है ये जो पूरा कांड है ये प्री प्लान्ड हो और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है हो सकता है उसके कनेक्शन पाकिस्तान से भी जाके जुड़ते हो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।